हेलो गाइस, आज जो हम गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है एनिमल लिवर्ल्ड बनी सिमुलेटर। आज हमने एक नई टीम को लाया है जो कि एलियन टीम है, और ये एलियन टीम भाई बहुत पावरफुल है कि नहीं है इसके बारे में बाद में पता चलेगा। हमने इसके अपोजिट हमने चार टीम यहाँ पे लाई है। एक टीम है भाई फंटेसी की पूरी पूरी यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी टीम भाई यहाँ पे म्यूटेंट पिरामिड है, और तीसरी टीम भाई यहाँ पे एंशंट होमेंट है। हम यहाँ पे चारों टीम के फाइट कराएंगे। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे टीम लाने वाले हैं, लेकिन भाई वन बाय वन यहाँ पे हम इनकी फाइट कराएंगे एक एक करके। सबसे पहले जो हमारी टीम होगी ना भाई, वो एंशंट वुमेन होगी, और एलियन टीम के साथ हम फाइट कराएंगे एंशंट वुमेन की। एंशंट वुमेन में हमारे पास है क्रेक्सस, एक है अर्चर और रोमैनस, और भाई एक नाइट है जो कि काफ़ी डेंजरस दिखता है, और भाई एक स्पार्टन वैरियर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस। इसके पास काफ़ी बड़े बड़े हथियार हैं। एक है हुसार, और भाई एक अचिलीस है जो इनका बॉस है। एलियन टीम में जो बॉस है ना भाई, वो राइट साइड में है, और भाई ह्यूमन टीम में जो बॉस है ना भाई, वो भी राइट साइड में है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे इनकी फाइट कराएंगे, और देखेंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा पावरफुल निकलता है। यहाँ पे भाई अचिलीस ने सब लोगों को मारना शुरू कर दिया है अपनी ढाल से, बट यहाँ पे एलियन की टीम के एक मेंबर जो उड़ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पे एलियन बॉस आ गया है जो अचिलीस से लड़ने जा रहा है, बट यहाँ पे भाई ह्यूमंस की टीम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और एलियन टीम भाई बहुत सारे यहाँ पे बंदे बचे हुए हैं। और यहाँ पे देखना ये है कि क्या अचिलीस सबको मारता है या फिर खुद ही मर जाता है। यहाँ पे एलियन का बॉस भी है, एलियन की पूरी पूरी टीम है। मेरे ख्याल से एलियन का एक भी बंदा यहाँ पर मरा नहीं है, सब के सब यहाँ पर जिंदा है, और इनकी फाइट हो रही है ह्यूमन बॉस से। तो यहाँ पे यही देखना है कि कौन यहाँ पे विनर होता है। भाई यहाँ पे एलियन टीम विनर हो चुकी है, और इनको भाई एक पॉइंट मिल चुका है एलियन टीम को। चलते हैं दूसरी फाइट की तरफ, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें भाई दूसरी फाइट में कौन सी टीम लाएंगे वो देखना है। मेरे ख्याल से मुझे फैंटेसी टीम लानी चाहिए, क्योंकि उनमें भाई कैरेक्टर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक वेयरफुल हो गया भाई, एक दूसरा गॉर्गन हो गया, तीसरा भाई हिलगेंड जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखता है। इसके इतना सर पे बाल है ना, बॉडी पे कपड़े हैं, ये भाई बिल्कुल नंगा पंगा यहाँ पे खड़ा है। एक विमान हो गया भाई जो उड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखता हुआ। बट यहाँ पे मेनाटोर भी है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे भाई सबसे बड़ा जो है हाइड्रा, उससे बड़ा यहाँ ड्रैगन है। मैं ड्रैगन के यहाँ पे नहीं लाऊंगा, क्योंकि ड्रैगन भाई इन सब को एक ही बार में मार देगा बिना कुछ किए भाई। तो भाई फाइट को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो यहाँ पर ड्रैगन को हमको नहीं लाना है। और इनकी फाइट किट में जो है ना भाई, जो हाइड्रा है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके कई कई सर हैं। और एलियन टीम में भाई जो बॉस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई। इसके अंडों में से क्या भाई, ये छत्ते में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं इनके, बहुत सारे एक के बाद एक करके। मेरे ख्याल से एक ही बार निकलेंगे, कई बार निकलेंगे तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी भाई, अभी जो फैंटेसी टीम है ना, वो अभी एलियन टीम पे हावी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनका एक ड्रैगन जो है ना उड़ रहा है भाई। और यहाँ पे जो एलियन टीम का बॉस है ना, वो अभी ज़िंदा है, बट मेरे ख्याल से एलियन टीम की पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है। इसी बॉस ही यहाँ पे है, और हाइड्रा ने उसको लपेट लिया है यहाँ पे, और बुरी तरह से मार रहा है। एलियन टीम का भाई एक भी बंदा ज़िंदा नहीं है, सिर्फ हाइड्रा उसका बॉस ज़िंदा है भाई। और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो इन सबको डिफीट कर पाएगा, इन सबको मार पाएगा, क्योंकि वो अकेला पड़ गया है। और यहाँ पे भाई फंटेसी टीम का भी सारे के सारे मेंबर यहाँ पे मर चुके हैं, बस यही हाइड्रा बचा हुआ है भाई। बॉस वर्सेस बॉस फाइट हो रही है यहाँ पे। अब बॉस वर्सेस बॉस फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रही है यहाँ पे। कौन जीतने वाला है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे देखेंगे कि अभी ने हाइड्रा को बुरी तरह से मार दिया है। और ये भाई यहाँ पे एलियन टीम ने दो राउंड जीत लिया भाई यहाँ पे। और इस बार जो हम फाइट करेंगे वो है रेप्टाइल्स के, एलियन के साथ। रेप्टाइल्स की फाइट भाई बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाली, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्नैक होंगे, कुछ उड़ने वाले भी कीड़े होंगे। एक होगा क्रोकोडाइल जो छोका भी छोटा है, वो होगा कोमोडो ड्रैगन भाई। ये छोटा सा तो होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है। इसकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी जो भाई इसकी जो डिटेल है ना, मैं उसको दिखा रहा हूँ। इसकी डिस्टेंस 100 है, HP 1 है, Attack 1 है भाई। स्टार्टिंग HP इसकी 600 है, बस ये भाई क्रोकोडाइल से कम है, क्रोकोडाइल का 700 है स्टार्टिंग HP। और भाई इन लोगों को देखो, किसी का 500, किसी का 300 है। बट यहाँ पे देखेंगे कि भाई टाइटन बोवा का कितना ज़्यादा कट। टाइटन बोवा का भाई यहाँ पे 2100 स्टार्टिंग HP हेल्थ है, और उसके बाद हम देखेंगे रैक्स का यहाँ पे कितना है। रैक्स का भाई 2250 टाइटन बॉस ज़्यादा। उसके बाद भाई सबसे बड़ा जो इनका बॉस है पुरुषोसोरस, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नाम है। इसके भाई 3000 स्टार्टिंग हेल्थ है। और यहाँ पे देखेंगे कि एलियन टीम की हेल्थ क्या है। यहाँ पे जो ये उड़ने वाला भाई, इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। इसका नाम है बुजहुक भाई, काफ़ी अजीब नाम है बुजहुक। इसकी स्टार्टिंग हेल्थ जो है वो 300 है। और भाई दूसरा वाला जो है वेंटिस, इसका है स्टार्टिंग हेल्थ 1500 है। भाई तीसरा वाला जो है हैकलो,
इसका ना स्टार्टिंग एचपी जो है 1800 है भाई। ये जो है ना एक्सीनोवर्म, काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम है, बिल्कुल अजीब। इसकी स्टार्टिंग हेल्थ दिखा ही नहीं रहा है, पता नहीं कितने, शायद इसके अंडे फूटने के बाद, इसमें बहुत सारे अंडे हैं भाई, इसके अंडे फूटने के बाद शायद इसकी हेल्थ दिखे। बट यहाँ पे जो इनका बॉस है भाई रणथौन, वो 4200 स्टार्टिंग एचपी का, काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इनसे है भाई। ये जो ग्राउंड है ना काफ़ी डेंजरस दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं, किसी का सिर पड़ा हुआ है, किसी की हड्डियाँ पड़े हुए हैं यहाँ पे चेस्ट के, और इनकी फाइट जो कराएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो इनकी जो भाई डिटेंस है ना उसको हाइड करते हैं, यहाँ पे इनकी फाइट को देखते हैं भाई। यहाँ पे एलियन टीम के कुछ बंदे मर चुके हैं, बट यहाँ पे रेप्टाइल्स के जो सारे बंदे हैं ना भाई, सारे कीड़े मकोड़े, वो सारे के सारे भी जिंदा हैं। टाइटन बोआ ने बुरी तरह से अंदर बोल दिया, बट वो एकदम किनारे पे आ चुका है, वो कभी भी नीचे गिर सकता है। और भाई एलियन टीम का जो विलन है ना, उसने कई छोटे छोटे रेप्टाइल्स के टीम के मेंबर को मार दिया है, बट वो अब ये बॉस वर्सेस बॉस फाइट होने वाला ही होने लगी है भाई। रेप्टाइल्स का जो है ना बॉस, वो भी रैक्स नाम से कुछ है, उस वो भी लड़ रहा है एलियन के बॉस से। तो इन दोनों की फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। और यहाँ पे भाई एलियन टीम के बंदे मरते जा रहे हैं, बट भाई यहाँ बॉस वाले जो बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट कर रहे हैं, और भाई एलियन वाला हावी होता दिख रहा है रेप्टाइल्स के बॉस पे। भाई दोनों नाच घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत अजीब तरह से फाइट कर रहे हैं भाई। और यहाँ पे भाई एलियन टीम तीसरी बार भी लगातार विनर बन चुकी है, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार जो टीम आएगी ना वो भाई एलियन टीम से बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लाता हूँ म्यूटेंट पिरामिड को। यहाँ पे भाई एक है सबसे छोटा वाला गोरिल्ला, पहले ये आएगा, उसके बाद उससे बड़ा गोरिल्ला आएगा, उसके बाद उसका उससे बड़ा होगा। सब भाई भाई एक ही बिरादरी के मुझे दिख रहे हैं, देखो सबकी शक्ल एक जैसी है, बट छोटे बड़े का अंतर है। यहाँ पे आ गया वोल्वेरिल्ला भाई, इसका नाम वोल्वेरिल्ला है भाई। किंग खोंग भाई, ये अजीब नाम है, किंग खोंग की जगह किंग खोंग रख दिया भाई। इसका नाम है सेट्रिल्ला, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि इसके हाथ में वेपन है काफ़ी डेंजरस सा। अब भाई स्क्रिमट्रेला, ये भी अजीब सा नाम है इसका भी, इसके हाथ में तलवार है, इसके हाथ में एक कैचर मशीन लगी हुई है भाई, जो दूर दूर से किसी को भी कैच करके भी तब खींच सकता है। अब भाई इनका सबसे डेंजरस मॉन्स्टर जो है वो घोर हमारा, लेकिन इन सब का बॉस इनसे भी ज़्यादा डेंजरस है मेरे ख्याल से। बॉस जो है ना भाई, वो मैं इनमें से पाँच हैं, पाँच में से मैं लूँगा भाई चौथे नंबर वाले को, स्किन फोर जो नाम है, इसका नाम गोरे द गेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। इनकी जब फाइट कराएंगे ना भाई, फाइट होगी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी भाई। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना कैचर उसके हाथ में लगा हुआ है, उसने कैच कर रहा है दूसरे को, बट तो यहाँ पे भाई, और यहाँ पे जो गोरिल्ला गेंट है ना वो ज़्यादा काफ़ी डेंजरस फाइट कर रहा है। यहाँ पे भाई मेरे ख्याल से एलियन टीम के कुछ मेंबर यहाँ पे मर चुके हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ बॉस दिख रहा है, उसके अलावा कोई दिख नहीं रहा। और भाई म्यूटेंट वालों ने इन सब को बुरी तरह से घेर रखा है, और बॉस भी यहाँ पे मारा गया। गोरिल्ला गेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है, उसके साथ घोर हमारा अपने हथौड़ी चला चला के सबको इसने यहाँ पे मार दिया। ये टीम तो भाई डिफीट हो गई, और इस बार एलियन टीम ने एक राउंड हार लिया भाई, एक राउंड एलियन टीम हार गई है यहाँ पे। और भाई ये जो है ना म्यूटेंट पिरामिड, ये टीम जीत गई है यहाँ पे। तो इसके बाद जो टीम आएगी ना वो इससे ज़्यादा डेंजरस होगी भाई, इसका नाम है इन्फर्नल। इन्फर्नल में एक स्केल्टन वॉरियर है, सॉरी इसके मैं सेकंड टीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी वन टीम रहेगी तो ये फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाई भाई हो जाते हैं। और यहाँ पे सेकंड टीम वाली जो है ना भाई घोल, दूसरा जो मेम्बर है सफर घोल, तीसरा भाई भाई बिना सर का हल्क, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है बिना सर का। और भाई चौथा मेंबर जो है वो हेल हाउंड है, पांचों मेंबर भाई लावा गोलेम, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, इसको देखो इसके पूरे पूरे बॉडी में लावा ही लावा दिख रहा है। और चौथा जो है भाई ओग्रा लॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा किसी कहीं का लॉर्ड मुझे दिख रहा है, बट ये यहाँ पे मुझे ये भाई शैतान दिख रहा है काफ़ी ख़तरनाक सा। और भाई कोजरो, काफ़ी अजीब नाम है कोजरो, ये भाई डेंजरस है, इन सब में ये डेंजरस है, बट इनसे ज़्यादा डेंजरस इनका बॉस है भाई, जो ज़मीन में एक वार करके काफ़ी ज़्यादा कांटे निकाल देता है। इनकी फाइट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये दूर से भी वार करते हैं और करीब से भी। अब भाई एलियन टीम के दो मेंबर यहाँ पे जा चुके हैं, अब भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलियन के मेंबर मर चुके हैं, यहाँ पे बॉस जिंदा है, बॉस अकेले ही फाइट कर रहा है इन सब से भाई। इन्फर्नल की पूरी टीम से अकेले ही फाइट कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता भाई, बिना सिर वाला जो हल्क है ना वो अपने सर को भी फेंक के मार रहा है, ऊपर से आग को भी मार रहा है, काफ़ी दूर है यहाँ पे। और उसके साथ भी एलियन टीम के सारे मेंबर यहाँ पे मर चुके हैं, और
यहाँ पे भाई इन्फर्नल टीम जो है ना वो जीत चुकी है यहाँ पे। उसके बाद तो भाई एलियन टीम का जो स्कोर है ना वो माइनस हो चुका है, क्योंकि वो 3 राउंड यहाँ पे हार चुकी है। मुझे नहीं लगता था ये हारेगी, बट यहाँ पे हार गई। लेकिन इस बार शायद वो जीत जाए, क्योंकि इस बार उनका सामना होने वाला है काफ़ी कमज़ोर से, काफ़ी नाजुक से जानवरों से, जिनका जो है डायनासोर की कैटेगरी के जो शाकाहारी डायनासोर होते हैं ना भाई, वो है सारे के सारे। मेरे ख्याल से इनमें कुछ मांसाहारी भी, जैसे ये हो गया टीरिजोसोरस, और इस टीम का जो नाम है ना वो है हर्बीवोरे डायनासोर। काफ़ी अजीब नाम है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ याद करने लायक है। तो यहाँ पे इनकी पहले टीम का मेंबर जो है उसका नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी लंबा सा नाम है। यहाँ पे मैं टीम को ले आता हूँ एक एक करके। और भाई ये चौथा मेंबर हो गया, और ये पांचवा। भाई इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलर है भाई, मैं एक ही कलर यहाँ पे चूज़ करूँगा, स्किन है उनकी। और भाई त्रिजोनोसोरस ये जो है काफ़ी, इसके हाथ लंबे लंबे भाई, इसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे शायद ये मांसाहारी हो सकता है, बस मुझे लग रहा था ये शाकाहारी टीम है, लेकिन यहाँ पे मांसाहारी भी शायद है, क्योंकि ज़्यादातर टीम मुझे दिख रही है ना वो भी साग सब्जियाँ खाने वाली टीम है। बट यहाँ पे मुझे अब इनकी फ़ाइट करानी होगी। फ़ाइट जब मैं कराऊंगा देखूंगा कि इनमें से कौन सा विनर बनता है। एलियन टीम यहाँ पे शायद इस बार मजबूत पड़ जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे जो भाई डायनासोर की टीम है ना वो छोटे छोटे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मर भी चुके हैं, कुछ मेंबर मर चुके हैं, अब कुछ जिंदा हैं। बट इनका जो बड़ा सा डायनासोर है ना भाई, वो अभी तक जिंदा है। वो बॉस वर्सेस बॉस यहाँ पर फाइट होने लगी है। शायद ये अपने बॉस को चूज़ करके फाइट कर रहे हैं, कि वो बॉस वर्सेस बॉस हो, बाकी छोटे छोटे अपने लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ पे भाई एलियन टीम के भाई 2 मेंबर बचे हुए थे, बट 2 मेंबर बचे हुए हैं अभी तक। और जो अंडे फूटे थे ना भाई, उनमें से कुछ मेंबर यहाँ बचे हुए हैं, वो भी फाइट कर रहे हैं एक एक करके। और भाई बॉस वैसे बॉस भाई एलियन के बॉस के पीछे 2 2 मेंबर लग चुके हैं भाई, 3 लगे हैं डायनासोर के, 3 डायनासोर लगे हुए हैं एलियन मेंबर के पास। और भाई मेरे ख्याल से एलियन की टीम ने वहाँ पे सबको हरा के यहाँ पे आ गया। और भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एलियन टीम शायद जीत जाएगी, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर अभी बची हुई है। बट एलियन का बॉस शायद मर चुका है, मुझे नहीं लग रहा भाई। विक्ट्री तो हो गई, विक्ट्री हो गई, बट यहाँ पे शायद एलियन का टीम का एक छोटा सा मेंबर बचा है, बाकी सारे के सारे इस टीम में मर चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो सो गाइस, कैसा लगा आपको ये गेम आज का? और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि आपके सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कल मिलते हैं एक नई गेम के साथ। अगर आपको कोई और टीम के साथ फाइट देखनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करना भाई, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।